आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी हेतु आवेदन किया था, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर ये लोगो आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नोटिस है, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस का। उसके बाद 22 अगस्त को जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद मांग ये आ रही थी कि आंसर की कब आएगी। जैसा कि सर ने आपको जब लाइव क्लास कराई थी और कल एक क्लास और कराई है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कल आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, या तो रात तक या फिर कल तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आज आंसर की आ गई है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने जिन जिन सब्जेक्ट में आवेदन किया है, तो वो यहाँ पर क्या है, अपनी आंसर की को देख सकते हैं कि इन्होंने कितने कितने क्वेश्चंस क्या है सही किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंसर की किन किन सब्जेक्ट की है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सभी सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, है ना, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर प्लांट हो, ये सारी चीज़ें। वहीं हम आर्ट साइड की बात करें तो आर्ट में देखिए हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, होम साइंस, लॉ, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, ठीक, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, है ना। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को देखिए कि किस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है, और जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपकी जो आंसर की है, जो आप ओ एम आर में जो आप भर के आए हैं, ठीक है, तो वो आपको शो होने लगेगी। वहाँ से आप एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, जो आंसर है, ठीक, सेट के हिसाब से देख लेना है कि आपका सेट कौन सा था। जैसे मान लीजिए हिंदी विषय को ले लें, तो हिंदी विषय को ले लें तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके तीन सेट देखने को मिले होंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बता दें, ये कन्फ्यूज़न कैसे होती है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है कुछ स्टूडेंट को कि हम आंसर की कैसे मिलाएं। तो सबसे पहले आपका जो सेट नंबर है, जैसे मान लिया कि हमारा सेट नंबर ए है, ठीक है, आपका सेट नंबर ए है, तो ए के आगे ही देखिए आपके आंसर जो सही हैं उसके ऑप्शन लगे होंगे। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसमें आपके चार ऑप्शन हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें मान लिया बी सही है तो वहाँ पर आपका बी लिखा होगा, ठीक। बात करें हम दूसरे सेट की, बी है, तो बी में जो सेट होगा उसमें कुछ अलग क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन उसका जो क्वेश्चन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर सी होगा। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। देखिए, हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम फिर भी रिवीजन करा देते हैं क्योंकि पहली बार है तो दिक्कत हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें भी कोई कि मैम ये छोटी सी बात बता रही है, नहीं, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपका जो सेट है ए, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप ए सेट में से मिलाइए कि आपके 50 जो आपके 70 क्वेश्चन लगे थे आपके सब्जेक्ट से, और 30 क्वेश्चन थे आपके रिसर्च से, 70 थे आपके सब्जेक्ट से, 30 क्वेश्चन थे आपके रिसर्च से, ठीक है। तो सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन रिसर्च के हैं वो चेक कीजिए, ठीक है, कितना स्कोर आप रिसर्च में कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कर रहे हैं। वहीं हम अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट में हम काउंटिंग करेंगे कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। ये बात हो गई। तो आप सभी के लिए, जिस जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि कब आंसर की आएगी, कब अपना चेक करेंगे कि जो हमने ठीक किया है क्या वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो आंसर की आ रही है, क्या उस ऑप्शन को उन्होंने सही माना है या नहीं। तो आपकी आंसर की आ गई है, ठीक है। आपको हमने बता दिया कि आपको कैसे आंसर की को डाउनलोड करना है, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद क्या है, आपको अपनी आंसर की निकाल लेनी है, ठीक। उसके बाद आप अपने सेट के हिसाब से चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस क्या है सही हो रहे हैं। जैसा कि आप कुछ बच्चों की मांग ये थी कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हों तो हम सेफ जोन में बने रहें। तो देखिए, हालांकि हमने इस पे वीडियो बना दी है, फिर भी यहाँ पर बता दें ताकि आप एक निश्चिंत हो जाएं कि हमारा स्कोर इतना है तो आप का जो सिलेक्शन है वो एंट्रेंस क्वालिफाई में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की तो बात करें 2022 के बैच की, तो इसमें देखिए
जिन अभ्यर्थियों के 63 या 64 प्लस थे, ठीक है, 64 प्लस थे, तो उनका क्या था, जो एंट्रेंस था वो क्वालिफाई हो गया था, जनरल कैटेगरी बता रहे हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का 55, ठीक है, क्वेश्चन से प्लस थे, उनका क्लियर हुआ था। वहीं एससी का भी यही था। देखिए, आप कोशिश करिए कि आप ओबीसी एससी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका जो स्कोर हो वो 60 से ऊपर जाए, ठीक है। अगर आपका 55 जा रहा है, 55 प्लस जा रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन एंट्रेंस में हो सकता है, ठीक है, आप आगे काउंसलिंग में जा सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जिन अभ्यर्थियों के 65 प्लस हो रहे हैं, या जिनके 63 प्लस हो रहे हैं, जिनके 60 से ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारी बधाई, क्योंकि जो उन्होंने स्कोर किया है वो एक सेफ जोन वाला स्कोर है, ठीक है। तो आप सभी क्या है, अपने आंसर की मिलाइए कि कितने कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप पे बताइए, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, तो आप वहाँ पर बताइए कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से आंसर की के संबंध में ये नोटिस आया था, तो सभी सब्जेक्ट की आंसर की आ गई है, तो आप चेक कर सकते हैं, चाहे आपका एग्रीकल्चर में कोई सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे साइंस साइड हो, तो सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ड्राइंग पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंग्लिश है, उसके बाद आपकी फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, हिंदी, लॉ है, ठीक है, लिंग्विस्टिक है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मिलिट्री साइंस है, म्यूजिक है, फार्मेसी है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है ना। तो आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिए कि इसके सब्जेक्ट में आपने पीएचडी हेतु आवेदन किया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी एक नोटिफिकेशन के साथ। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से कोई भी नोटिफिकेशन आती है पीएचडी के संबंध में, तो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।